सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है परिवहन एवं संचार यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,32,500 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। अगला साथियों, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 बोलें तो दिल्ली से अमृतसर, जिसकी लंबाई है 1,226 किलोमीटर। NH2 बोलें दिल्ली से कोलकाता, जिसकी लंबाई है 1,465 किलोमीटर। NH3 आगरा से मुंबई, जिसकी लंबाई है 1,161 किलोमीटर। NH4 जिसकी लंबाई है 1,235 किलोमीटर, थाने से चेन्नई। NH5 वाहरागोरा से चेन्नई, पूर्वी तट के साथ 1,610 किलोमीटर लंबाई है। NH6 धुले से कोलकाता 1,945 किलोमीटर। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, देश का सबसे लंबा NH 3745 किलोमीटर। NH8 दिल्ली से मुंबई, राजस्थान गुजरात में, इसकी लंबाई है 1,428 किलोमीटर। NH9 मुंबई से विजयवाड़ा, जिसकी लंबाई 841 किलोमीटर। NH10 दिल्ली से फजलिका, भारत पाकिस्तान सीमा 403 किलोमीटर। अगला NH15 पठानकोट से समाख्याली, भारत पाकिस्तान सीमा 1,526 किलोमीटर। NH17 पानवेल इड्डापल्ली यानी पश्चिमी तट के साथ 1,269 किलोमीटर। NH28 बरौनी से लखनऊ 570 किलोमीटर। आगे साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस से है? तो राजमार्गों के विकास से। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? झांसी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का उद्देश्य गांवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार के राष्ट्रीय सड़कों से होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 2009 में। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? बिहार में। रेलवे स्टॉक कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदरा गुजरात में। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की। डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता है? मंडुवाडीह में, बनारस में। भारत में रेलवे के उत्पादन इकाई देखते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव 1950 में, चितरंजन पश्चिम बंगाल में। रेल के विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना रेल कोच फैक्ट्री 1952 में पेराम्बूर में, तमिलनाडु में। सवारी डिब्बों का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री 1986 कोलकाता में, थी कपूरथला पंजाब में। रेल डिब्बों का निर्माण डीजल इंधन आधुनिकीकरण कारखाना 1981 में पटियाला पंजाब में। डीजल इंजनों के संघटकों का निर्माण डीजल लोकोमोटिव 1961 में वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। डीजल इंजन में विद्युत शटर्स का निर्माण उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु की कुल लंबाई 4,000 किमी लंबा है। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों से को जोड़ता है? तो रोहा महाराष्ट्र और से मंगलौर कर्नाटक को। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह? कृत्रिम बंदरगाह। सबसे अधिक दूरी तय करने वाले एक्सप्रेस वे कौन सी? विवेक रॉ एक्सप्रेस वे 4,273 किलोमीटर। 3 अंधचंद्रकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते? कन्याकुमारी में। जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्रकृति गैस पाइप लाइन के निर्माण की घोषणा कब हुई थी? 25 अगस्त 2014 को। आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन? मुंबई। भारत के 13 बंदरगाह, कांडला नाम परिवर्तित कर दीनदयाल उप बंदरगाह। मुंबई 10 का सबसे बड़ा बंदरगाह। नहावा सेवा नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मारमुगाव देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह। न्यू मंगलौर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय। तुतीकोरिन इसका नया नाम डॉक्टर B.O. चिदम्बरम। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा।
कोलकाता हल्दिया, यह एक नदी पतन भी है। इंडोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में। गुरु रामदास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? लंग में। कच्छ की खाड़ी को कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला में। भारत के बंदरगाहों में कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह बाहपतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? पारादीप। मारमुगाव पतन कहाँ स्थित है? गोवा में। पहले भारतीय रेलवे का मुख्यालय के बारे में ये देखते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय हुबली सॉरी विशाखापट्टनम, एसआर विशाखापट्टनम, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली, अति मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, चर्च ग्रेट मुंबई पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। अगला सत्य सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना और उनका विकास करना। अगला भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1620 किलोमीटर इलाहाबाद हल्दिया गंगा भागीरथी हुगली नदी पर। यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है जो यांत्रिक तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार का नौवाहक योग है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्य के लिए तीन भागों में विभाजित है। हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर, पटना इलाहाबाद 1600 किलोमीटर। अगला राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 2891 किलोमीटर सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवाहन योग है जिसका भारत एवं बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 3205 किलोमीटर कोट्टापुरम कोल्लम केरल में। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट 168 किलोमीटर लंबा उद्योग मंडल नहर 10 किलोमीटर लंबी और तथा चंपारण नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 1095 किलोमीटर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी मद्रास के राजसमुंद्री मुंद्रीन 171 किलोमीटर, बाजारीबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, काकीनाडा से पुडुचेरी 767 किलोमीटर। अगला राष्ट्रीय राजमार्ग 5623 किलोमीटर ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल, ओडिशा में 532 किमी तथा पश्चिम बंगाल में 91 किमी। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में अध्ययन करते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में, गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड में, शेख अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, डेवोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में, देवी अहल्याबाई होलकर स्टेडियम इंदौर में, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई तिरुचिरापल्ला में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। अगला मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया? नहाब सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। भारत डाक विभाग ने द्रुत सेवा का कब प्रारंभ कब किया? 1986 में। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमान पतन कोची विमान पतंग है। भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत वर्ष 1882 में हुई थी। अगले प्रमुख तेल लाइन के बारे में अध्ययन करते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750 किलोमीटर लंबा, सलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर लंबा,
कांडला भटिंडा 331 किलोमीटर, मुंबई पुणे मंदाड़ 1389 किलोमीटर, दुलियाजान बोंगाई गोम बरौनी 1405 किलोमीटर, नाहरकटिया नूनमती बरौनी 1152 किलोमीटर, मुंद्रा पानीपत 1174 किलोमीटर, बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर, बरौनी पटना कानपुर 743 किलोमीटर, चेन्नई त्रिची मदुरई 683 किलोमीटर, जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग वह नीलाहावा से हल्दिया तक विस्तृत है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। मतलब उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज, क्रोमियम, निकल। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। भारत के लौह इस्पात कारखानों के अवस्थित जमशेदपुर उड़ीसा के गुरु महिसानी एवं हीरोइन के नोआ मुंडी खानों से। बर्नपुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योंझर खानों से। भद्रावती बाबा बदून पहाड़ी से। दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से। राउल के राउडीसा क्योंझर बोरनौरई क्षेत्र से। भिल्लई डल्ली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली बैगानों द्वारा। विशाखापट्टनम बैला डीला की खानों से। प्रदीप उड़ीसा क्योंझर बोरनौरई क्षेत्र से। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? लौह इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए प्रसिद्ध? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर। रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से रॉयल क्लास पास संयंत्र की स्थापना की गई। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। चूनर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य संघटन खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। भारत में रबर कहाँ स्थित है? रबर उद्योग पंजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में। आगे साथियों, प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां उनके प्रमुख केंद्र बालको सोवियत संघ कोरवा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, नालको फ्रांस, दामन जोड़ी उड़ीसा में, अंगुली उड़ीसा में, हिंडालको संयुक्त राज्य अमेरिका, रेनुकट उत्तर प्रदेश में, हिंडालको कनाडा के जेके नगर पश्चिम बंगाल, मूरी झारखंड, अलवाओ केरल में, मालको इटली, चेन्नई मेटूर में, सलेम तमिलनाडु में, भेंडेटा जर्मनी, झारखंड जर्मनी, झारसुगुड़ा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र किस कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी झारखंड में। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र को भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। भारत कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता? कागज उद्योग। पेट्रोल रसायन के उत्पादक का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ? जामनगर गुजरात में। स्वतंत्र पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में, साक्षी झारखंड 1907 में, हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908 में, भद्रावती कर्नाटक 1823 में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में। यह था साथियों, चैनल सब्सक्राइब करें।